नमस्कार जय हिंद, मैं सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्पेशल वीडियो। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन से हराकर वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 399 रन बनाए। जवाब में डकवर्थ लुईस की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 33 ओवर में 317 का टारगेट दिया गया। कंगारू टीम 29वें ओवर में 217 पर ऑल आउट हो गई। अब ये तय हो गया कि भारत वर्ल्ड कप में नंबर वन ओडीआई टीम की हैसियत से उतरेगा। केएल राहुल ने भारत के लिए कप्तानी की शुरुआत में लगातार 4 मैच गंवाए थे। अब वो बतौर भारतीय कप्तान लगातार 9 मैच जीत चुके हैं। 2015 में विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन टीम थी और उसने वर्ल्ड कप जीता था। 2019 में इंग्लैंड विश्व कप से पहले ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन टीम थी और उसने भी इस खिताब को जीता था। 2023 वर्ल्ड कप से पहले भारत रैंकिंग में नंबर वन टीम है। ऐसे में लग रहा है कि इस बार भारत विश्व विजेता जरूर बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस और पेंट कमिंस को आराम दिया। बदले में एलेक्स केरी, जोस हेजलवुड और तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया। भारतीय टीम ने एक बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया और बदले में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में लाया गया। पहले वनडे में 71 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे वनडे में 8 रन ही बना सके। जोस हेजलवुड के दूसरे ओवर के चौथे गेंद पर गायकवाड़ ने इंग्लिश को कैच दे दिया। भारत को 16 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब सुमन गिल का साथ निभाने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए। पहली ओडीआई में अय्यर 8 गेंदों में 3 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। ऐसे में वर्ल्ड कप के लिहाज से उनके लिए ये पारी बेहद महत्वपूर्ण थी। श्रेयस अय्यर ने स्पेंसर जॉनसन और जेस हेजलवुड के 5वें और 6ठे ओवर में बैक टू बैक दो दो चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे छोर पर सुमन गिल अपना वक्त ले रहे थे लेकिन अय्यर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 10वें ओवर में जब भारत ने 79 रन बना दिए तब थोड़ी देर तक बारिश की वजह से गेम रोकना पड़ा। पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। पहली 19 गेंद पर सिर्फ 9 रन बना सके सुमन गिल ने अगली 18 गेंद पर 41 रन जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। उसके ठीक बाद श्रेयस अय्यर ने भी 41 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। श्रेयस अय्यर को वनडे इंटरनेशनल में 11 बार फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करने का मौका मिला जहां उन्होंने 7 बार 50 का आंकड़ा पार किया है। श्रेयस अय्यर और सुमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 163 गेंद पर 212 रन की साझेदारी निभाई। इस बीच श्रेयस अय्यर ने अपने वनडे करियर का 3रा और सुमन गिल ने 6ठा शतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर दी। श्रेयस अय्यर ने 90 गेंदों पर 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। एबट को 31वें ओवर की 5वीं बॉल पर अपनी विकेट दी। वर्ल्ड कप से पहले श्रेयस अय्यर का फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए सोने पर सुहागा रहा। कैमरन ग्रीन के 35वें ओवर की 5वीं धीमी लेंथ बॉल पर सुमन गिल की विकेट ली। सुमन गिल ने 97 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 243 रन हो गया। ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 2 चक्के और 2 छक्कों की मदद से 31 रन की तेज पारी खेली। ईशान ने राहुल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 32 गेंदों पर 61 रन जोड़े। ईशान किशन जेम्पा के 4थे ओवर की दूसरी गेंद पर कैच थमा बैठे। जैसा शोर विराट, रोहित और धोनी की एंट्री पर सुनाई पड़ता था कुछ वही शोर इंदौर में गूंजने लगा क्योंकि मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ रहे थे। सूर्य कुमार यादव के लिए रोहित और राहुल द्रविड़ ने मिलकर वनडे में फिनिशर की भूमिका तय की थी। सीरीज के पहले ओडीआई में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक जड़कर रन चेज में अहम भूमिका निभाई। दूसरे वनडे में उन्हें भारत को बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर करना था। कैमरन ग्रीन के 44वें ओवर की पहली 4 गेंद पर 4 छक्के उड़ाकर सूर्य कुमार यादव ने साबित कर दिया कि आखिर भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें वर्ल्ड कप में हर हाल में क्यों देखना चाहती है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखने के बाद इंदौर में सिवाय दर्शकों के शोर के किसी और को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। सूर्य कुमार यादव ने केएल राहुल के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 26 गेंदों पर 53 रनों की साझेदारी निभाई। कैमरन ग्रीन के 46वें ओवर की अंतिम बॉल पर केएल राहुल बोल्ड हो गए। राहुल ने 38 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए। भारत ने 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा टोटल 399 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया।
जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पारी के दूसरे ओवर की दो गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने तबाही मचा दी। प्रसिद्ध कृष्णा के दूसरी बॉल पर मैथ्यू शॉर्ट ने बल्ला फेंका और ऑफ साइड की दिशा में छक्का उड़ाने का प्रयास किया। थर्ड मैन बाउंड्री पर अश्विन ने शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। शॉर्ट ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 9 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। प्रसिद्ध कृष्णा के अगली गेंद पर कप्तान स्टीव स्मिथ ने हार्ड हिट करने का प्रयास किया और सुमन गिल ने कैच पकड़ लिया। स्टीव स्मिथ गोल्डन डक का शिकार हो गए। इसके बाद डेविड वार्नर और लाबुसेन के बीच तीसरे विकेट के लिए 68 गेंदों पर 80 रनों की साझेदारी हुई। बीच में बारिश की वजह से काफी देर तक खेल रोका गया और बदले में डीएलएस मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए 33 ओवर में जीत के लिए 317 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अश्विन ने 13वें ओवर की 5वीं कैरम बॉल पर लाबुसेन को बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 89 रन हो गया। अश्विन ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर को LBW करके वापस पवेलियन भेज दिया। डेविड वार्नर ने 39 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन हो गया। अश्विन ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ की रखी इंग्लिश स्वीप करने में चौके और गेंद फ्रंट पैड के निचले हिस्से से जा लगा। रिव्यू से कंफर्म हुआ कि कोई अल्ट्रा एज नहीं था और गेंद मिडिल स्टंप पर क्रैश कर रही थी। इंग्लिश ने 9 गेंद पर 6 रन बनाए और 101 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौट गई। रविन जडेजा ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलेक्स केरी की विकेट ले ली। केरी ने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए और 128 के स्कोर पर कंगारू को छठा झटका लगा। 13 गेंद पर 19 रन बनाकर एबोट शार्दुल ठाकुर के 20वें ओवर की 5वें गेंद पर रन आउट हो गए। रविन जडेजा ने 21वें ओवर की 4थी गेंद पर जेम्पा को बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 140 रन हो गया। लगा कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा के 22वें ओवर की 4थी गेंद पर डीप पॉइंट में शार्दुल ठाकुर ने हेजलवुड का सिंपल कैच टपका दिया। यहाँ से हेजलवुड और एबोट के बीच 44 गेंद पर 77 रनों की पार्टनरशिप हुई। सीन एबोट ने 29 गेंदों पर फाइटिंग 50 जड़ दी। मोहम्मद शमी के 28वें ओवर की अंतिम गेंद पर रूम बनाकर ऑफ साइड में शॉट खेलने के प्रयास में हेजलवुड बोल्ड हो गए। उन्होंने 16 गेंद पर 23 रन बनाए। उसके बाद जडेजा ने 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर एबोट को 54 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड करके ऑस्ट्रेलियाई पारी को समेट दिया और डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया 99 रन से मैच हार गया। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या वर्ल्ड कप से पहले रैंकिंग में नंबर 1 आकर भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जीत सकती है कि नहीं।